बोलिए जन्म देने वाली मैया की। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, और ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। लोग खुशियां पाने के लिए मथुरा वृंदावन काशी जाते हैं, मगर खुशियां तो भक्तों सिर्फ माँ के चरणों में है। जो अपनी माँ को मानते हैं उठाएं जरा दोनों हाथ समर्पित करते हुए। जिनकी माँ इस दुनिया में जिंदा है वो भी अपनी माँ को याद करें, और जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है वो भी आज अपनी माँ को मेरे भजन के माध्यम से याद करें, क्योंकि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ अगर दे दे बद्दुआ तो इस भगवान से भी टाली नहीं जाती। पहले तो एक माँ की लोरी गाने से सो जाया करते थे। बोलिए अपनी अपनी जन्म देने वाली भैया की। तो आइएगा, असली खुशियां माँ के चरणों में है। जब भगवान हर घर में नहीं जा सका तो उसने हर घर में माँ को बनाया कि माँ को भगवान मानिए। और जिनके घर माँ बाप का सम्मान होता है उनके दरवाजे पर माँ लक्ष्मी सरस्वती महाकाली निवास करती है, और जिनके घर माँ बाप का सम्मान नहीं होता साहब उनके घर दरिद्रता निवास करती है। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए सभी लोग अपनी अपनी माँ को अपनी अपनी आंखें बंद करके याद करें और मेरे साथ दो लाइनें गाएं और कहें, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। सभी लोग मेरे साथ गाते हुए अपनी अपनी माँ को याद करो, कहें मेरे साथ क्या, माँ ओ माँ तू कहाँ हो, जन्मदाता माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता माता ही जग चलाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, उपकार इतने हम पे कैसे चुकाए जाए, उपकार हमसे ले चुकाए जाए, 9 महीने हमको रखा मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए, मैया ने और 9 महीने तन के साचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के साचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ, बोझ बरसों तलक गोद उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक गोद उठाती है माँ, जाग कर कितनी रहते बिता है माँ, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, तो पहले माँ को मना, पहले माँ को मना, ये माँ मान जाएगी, और ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे, उठा जरा हाथ दोनों ऊपर। माँ की ममता बताना मेरी औकात नहीं, मगर जितना मेरी माँ ने मुझे बताया सिखाया है वो दोनों हाथ ऊपर करके आज बता रहा हूँ माँ की ममता क्या होती है। सुनिए, ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ
की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। सुनिए माँ की ममता क्या होती है, क्या होती है? जब कोई परदेश जाता है बेटा, जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। छोटा भैया कहता है, छोटा भैया कहता है, मेरे लिए एक बढ़िया सी गाड़ी लाना, गाड़ी लाना। और बीवी कहती है, अजी सुनते हो, जा रहे हो परदेश तो जरा अच्छी अच्छी सी साड़ी ला। छोटा भैया कहता है, मेरे लिए एक बढ़िया सी गाड़ी लाना, और बीवी कहती है, जा रहे हो परदेश तो जरा अच्छी अच्छी सी साड़ी। मगर माँ ये कहती है, कुछ भी ना लाए, मगर माँ ये कहती है, कुछ भी ना लाए। माँ अपने बच्चे से क्या कहती है, अरे मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, अरे मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। तो ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। क्योंकि आजकल के लड़के बीवियों के बनाए जाल में रहने लगे, आजकल के लड़के बीवियों के बनाए जाल में रहने लगे और अपने माँ बाप के घर को छोड़कर ससुराल में रहने लगे। गरीबी की हालत में तो घर के छप्पर थे अजीज, मगर मिली दहेज में थोड़ी सी दौलत तो नैनीताल में रहने लगे। बोलिए सच्चे दरबार की, बोले जन्म देने वाली मैया की।